सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां लूट का हुआ खुलासा। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां लॉरेंस एकेडमी के छात्र तनिष्क ने शूटिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। और अंत में बात करेंगे मोतिहारी की, जहां आजम बेग के पुत्र सुल्तान बेग जुम्मे की नमाज के बाद हज के लिए पैदल निकल पड़े। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मटेरा थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले महिला से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने लूट में शामिल 2 लोगों को बाइक और लूटी गई नकदी के साथ पकड़ा है। वहीं सभी ने अपने शौक पूरी करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। प्रभारी निरीक्षक परमानंद तिवारी, एसओजी प्रभारी अनुज कुमार त्रिपाठी, उप निरीक्षक ब्रजभान यादव की टीम ने बहबोलिया मार्ग शंकरपुर से बाइक सवार चोरों को गिरफ्तार किया। जी, 27 मई 2024 को थाना मटेरा के क्षेत्रांतर्गत इंडियन बैंक से दोपहर 2 से 3 बजे के बीच एक बुजुर्ग महिला 50,000 रुपए विड्रॉ करके अपने गांव इघरवा की ओर जा रही थी। ई रिक्शा से वो अपने गांव लौट रही थी और 2 अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल पे बैंक से ही उनका पीछा किया। और गांव में जब पहुंचने पर वो ई रिक्शा से निकल के अपनी गली में एंटर करी तो एक अभियुक्त मोटरसाइकिल से नीचे उतर के उनके पीछे भागा और उनके हाथ से जो पैकेट था जिसमें उनके 50,000 रुपए नगद, पासबुक और आधार कार्ड था, उसको छीन के मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। इस घटना का संज्ञान लेते ही तत्काल हमारी टीम सक्रिय हो गई थी। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और तभी से अभियुक्तों की तलाश जारी थी। तो बेहतरीन खुलासा करते हुए थाना मटेरा की टीम द्वारा और एसओजी द्वारा सीओ नानपारा के नेतृत्व में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना के समय इनके द्वारा मोटरसाइकिल उपयोग की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है और इनके पास से एक नया उन्हीं पैसों से खरीदा हुआ मोबाइल फोन और 37,500 रुपए रिकवर हुए। तो 100% रिकवरी है। कुछ पैसे का उनके द्वारा फोन खरीद लिया गया था, वो भी बरामद कर लिया गया है। और जो पूछताछ में बात संज्ञान में आई है वो ये है कि ये दोनों युवक जुआ खेलने के आदी थे और पूर्व से भी इनके ऊपर जुए का कर्ज था जिसको अदा करना चाहते थे। और घटना के तत्काल बाद उन्हें जाके इन्होंने रिशिया क्षेत्र में जुआ खेला और उसमें और पैसे अपने हारे। तो 4 दिन के अंदर बेहतर खुलासा टीम द्वारा किया गया है, उसके लिए उनको भी नकद पुरस्कार दिया जा रहा है और इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। बैंक के पास भी कहला करते थे, बैंक के पैसा निकालते उनको निशाना बनाते थे। हाँ, जो उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखी गई है ये काफी लंबे समय तक बैंक के परिसर और उसके आसपास टहलते रहे, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये खोज में थे किसी सॉफ्ट टारगेट की जिससे ये लूटपाट की घटना कर सके। तो उसके बाद से हमारे द्वारा भी सभी पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है कि जो बैंक चेकिंग होती है उसमें बैंक परिसर में टहलते हुए संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन और तस्दीक करने पे और अधिक बल दिया जाए। इनके आपराधिक इतिहास को टटोला जा रहा है। इनके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है कि पूर्व में मुंबई में भी चोरी आदि के केसेस में जेल में रहे हैं, पर अभी मुकदमा संख्या नहीं अभी प्राप्त हो। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है। आंगुलावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्यालय लॉरेंस अकेडमी के छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना लोहा मनवाते आए हैं। इसी क्रम में लॉरेंस अकेडमी के छात्र तनिष्क कुमार तेवतिया ने फतेहगढ़ आर्मी कैंट में आयोजित एनसीसी कैंप में शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। छात्र तनिष्क कुमार 36 एनसीसी बटालियन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश स्तर पर आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था और गाजियाबाद एनसीसी ग्रुप के लिए चयनित हुआ। इसके बाद उन्होंने गाजियाबाद एनसीसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया। 11 एनसीसी ग्रुप ने इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। तनिष्क तेवतिया ने एनसीसी निदेशालय लखनऊ के लिए अपना स्थान सुरक्षित किया। लॉरेंस अकेडमी के निदेशक शोएब मेवाती ने कहा कि छात्र तनिष्क कुमार तेवतिया ने मेहनत से मुकाम हासिल किया। कहा कि इससे पहले विद्यालय के अनेक छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके मेडल हासिल किए हैं। बता दें, लॉरेंस अकेडमी एकमात्र विद्यालय है जहां शूटिंग रेंज है, जिसका लाभ क्षेत्र के विद्यार्थी ले रहे हैं, जिसके बाद अनेक प्रतिभाएं यहां से निकलकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। मौके पर विद्यालय प्रबंधक शोएब मेवाती, प्रधानाचार्य सतपाल कौर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। चतरा में तेज धूप और लू से बचने के लिए सूखे पेड़ का सहारा लेना सास बहू को महंगा पड़ गया। सूखे पेड़ के नीचे खड़े होकर तेज धूप और लू से बच रहे सास बहू पर पेड़ टूट कर गिर गया। घटना में सास की मौके पर मौत हो गई। बहू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना में सास बहू के अलावा बेटे को भी गंभीर चोट आई है।
घटना सदर थाना क्षेत्र के पनसलवा इलाके की घटना में मृतकों की पहचान साजगीता देवी और उसकी बहू यशोदा देवी के रूप में की गई। दोनों लावालौंग क्षेत्र के लमटा गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस की टीम ने दोनों सास बहू के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक 2.5 महीने पहले ही घायल युवक और गीता की शादी हुई थी। बताया गया कि सास बहू और बेटा तीनों बाइक पर सवार होकर चतरा शहर में सामानों की खरीदारी करने आए थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। आ रहा था, ठीक है, मोटरसाइकिल जा रहा था, उसमें दो लेडीज बैठा था तो एक बाइक वहाँ पे ना रुकवा गिरने लगा तो वहाँ घर वाला आदमी चिल्लाया कि रुक गिर रहा है। तो यहाँ एगो टेम्पू लगा था तो टेम्पू हट गया, मोटरसाइकिलों पर जो लेडीज बैठल थी तो वही जो गिरन रुकवा से लेडीज वन दोनों चता के तो वहीं रह गई, एगो स्पोर्ट रह गई और एक को साइड किए। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल जाने के बाद उसको क्या हुआ कि नहीं बस पता नहीं। मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उसके बाद फिर लोग बाजार उजार करके अपना चतरा आए हुए थे सुबह में, अपना बाजार उजार करके और उसके बाद अपने घर जा रहे थे और जाते समय अचानक यहाँ पर ये उस पेड़ गिरने की वजह से हमारे मामी की तो स्पॉट डेथ हो गई यहीं पे और उनकी जो पुत्र था हल्का हल्का सांस चल रहे थे, तो सांस चल रहा था तो उसको फिर मतलब एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल जाने के दौरान बीच रास्ता में उनके फिर देहांत हो गया। मामा हमारे नहीं थे यहाँ पर, मामा को फ़ोन करके फिर उनको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि ऐसा कांड हो गया क्योंकि अपने लड़के के साथ आए हुए थे बाजार, जिनका शादी हुआ था साथ में बहुत ही वही लड़का उनको लेकर आए हुए थे जिसका जिनका क्या चीज़ है क्या नाम है उनका नाम था जो सास है जो महिला से साथ में उनके एक का नाम था गीता देवी जो हमारी मामी लगती है और दूसरे जो हमारी वो एक तरफ से भाव लगेगी उनका नाम है ये सोमवत कुमारी। ये लोग रहने वाले कहाँ के थे? हमारे मामी जहाँ लमटा हुआ पर जो लड़की की शादी हुआ था वो सिमरिया बाना सड़क के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में 3 महीने पहले इनका शादी हुआ 29 फरवरी को और आज ऐसा घटना घट चुका है उनका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोज कुमार हुआ, बगल पंचला मोहल्ला के लमटा सहारा रहने वाला हूँ। मेरा नाम मनोज है। हमारी पत्नी गीता देवी अपने पुत्र के इलाज कराने हेतु चतरा हॉस्पिटल आई थी, लौटने के क्रम में नया पेट्रोल पंप के पास गुलमोहर का घास गिर गया जिसे सास आप पुतो शोभा कुमारी के एक्सपर्ट पर मौत हो गई। उनका पति गीता देवी के पति तक गीता देवी हैं जो हमारी पत्नी है और शोभा कुमारी जो हमारी पुतो हुई बहू गीता देवी काम करती थी आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में काम करती थी, आंगनबाड़ी सेविका है गीता। हाँ, गीता देवी सेविका है, आंगनबाड़ी सेविका प्रखंड लावल हो ग्राम नीचा हर का सेविका। मैं विनोद पाल के राम प्रखंड लावल हूँ, थाना लावल हूँ, ग्राम डाला। मेरी पत्नी गीता देवी जो आंगनबाड़ी सेविका थी वो अपने पुत्र हो शोभा कुमारी के इलाज कराने के लिए प्रेगनेंसी हालत में डॉक्टर के चेक कराने के लिए आई थी चतरा हॉस्पिटल, उसी क्रम में लौटने के क्रम में नया पेट्रोल पंप के पास पनसलवा मोहल्ला के पास गोल्ड मोहर का पेड़ गिर गया जिससे सास पुतों की दोनों स्पॉट पर डेथ हो गई। और इलाज के लिए मोटरसाइकिल से गई थी और लौट भी रही थी मोटरसाइकिल से, इसी क्रम में गाछ एक बैग गिर गया और दोनों ये होकर वहीं स्पॉट हो गया। गीता देवी को शोभा कुमारी के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। चतरा से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। हरदोई विकासखंड टडियावा ग्राम पंचायत पूर्वा देवरिया में 16 वर्षों से ग्राम पंचायत के सभी किसान विरोध करते चले आ रहे हैं। वहीं चकबंदी के आला अधिकारीगणों ने चुनाव मतगणना की बात कहकर किसानों की भूख हड़ताल समाप्त करवाई। कहा 6 जून को खुली बैठक करा के फैसला किया जाएगा। आला अधिकारियों ने पैमाइश नहीं रुकवाई, उसी के चलते आज ग्राम के किसान अधिकारी और प्रधान पक्ष लॉयन ऑर्डर जैसी स्थिति हो गई है। मौके पर टडियावा पुलिस ने भीड़ और लॉयन ऑर्डर जैसी स्थिति पर काबू पाया, 6 जून तक के लिए चकबंदी रोकनी पड़ी है। हरदोई से सीनियर संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। सुगौली के नौवाड़ी निवासी रफूल आजम बेग का पुत्र सुल्तान बेग जुम्मे की नमाज के बाद हज के लिए पैदल निकल पड़े। इससे पहले सुल्तान बेग लोगों से मुलाकात कर अपने नौजवान भाइयों से गले मिलते हुए हज के सफर के लिए पैदल निकल गए हैं। सफर में जाने के रास्ते बेतिया सहित अन्य जगह होते हुए सऊदी अरब के मक्का मदीना शरीफा पहुंचेंगे।
उनकी आखिरी मंजिल होगी जहां वो हज करेंगे। साथ ही सफर में पूरे वर्ष यानी 2025 में आखिरी मंजिल उनका होगा जहां वो हज करेंगे। हर दिन 25 से 30 किलोमीटर सफर के दौरान रास्ते को तय करना उनका है। पश्चिम चंपारण के बेतिया तक छोड़कर बाकी लोगों की वापसी हो गई है। हज के सफर में जा रहे सुल्तान बेग को फूलमाला पहनाकर मुकद्दस हज यात्रा के लिए रवाना किया गया। तमन्ना तो बहुत पहले से था जी, अल्लाह पाक ने मुसलमान के साथ फर्ज फर्ज किया है जी, हज भी है जी। तो बहुत पहले से नबी साहब का वहाँ पे मुबारक कब्र शरीफ भी है जी, उसका भी तमन्ना था जी। और दिल में शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मैं हज करूँ। अच्छा, सही वक्त सही टाइम का इंतजार कर रहा था, अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया जी, अभी मैं निकल रहा हूँ। तो रूट आपका जो चार्ट होगा वो कैसे होगा? जो मेरा रूट है यहाँ से दिल्ली जी, दिल्ली से पंजाब वाघा बॉर्डर जी, वहाँ से पाकिस्तान जी, पाकिस्तान से इराक, इराक ईरान, ईरान से इराक जी, कुवैत से सऊदी। तो परमिशन में क्या क्या, मतलब किस तरह का परमिशन आपको, मतलब आपके पास है? अभी मेरे पास परमिशन है एमएलए का, यहाँ के गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट परमिशन। अच्छा, पुलिस परमिशन जी, और हेल्थ का जो है वो उसके लिए वार्ड कमिश्नर से, वार्ड कमिश्नर परमिशन, और हेल्थ का जो है उसके लिए करवाया है मैंने, लेकिन उसका भी वो आया नहीं है। मतलब कागजात जो है आपका पूरा पुख्ता यहाँ पर है? हाँ, अच्छा, उधर से आप मतलब कब तक पहुँचेंगे, कितने दिनों में या साल लगेगा आपके, क्या क्या लगेगा आपका? ये करीब देखिए वैसे तो 7 से 8 महीना काफी है जी, लेकिन पाकिस्तान में 2-3 महीना टाइम लगेगा वीजा में जी, तो इसलिए मैं एक साल पूरा लेके चल रहा हूँ, अगला बकरा इससे पहले। अच्छा, उधर से जो आपका आने का किस तरह आने का उधर से? उधर से फ्लाइट से ही है, फ्लाइट से उधर से। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत रजौरा कला के ग्रामीणों ने सरपंच श्रीलता के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने कहा कि दबंगों ने कब्रिस्तान की जगह अतिक्रमण कर लिया है। रजौरा कला की सरपंच श्रीलता ने कहा कि ग्राम पंचायत में कुछ दबंगों ने कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा किया। शिकायत पंचायत की ओर से उपखंड अधिकारी को दी गई, लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं वर्तमान में अतिक्रमणकारियों ने कब्र को क्षतिग्रस्त कर दिया है। शिकायत पर क्षेत्रीय अधिकारियों की भी की गई है। ग्रामीण द्वारा सरपंच को शिकायत दिए जाने के बाद उन्होंने कलेक्टर के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। सरपंच ने कहा कि शिकायत करने से नाराज दबंगों द्वारा उनकी भी झूठी शिकायत की गई है। झूठी शिकायत की निष्पक्ष जाँच कराने, दबंगों से अतिक्रमण की भूमि को मुक्त कराने को लेकर सरपंच ग्रामीणों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और निष्पक्ष जाँच कर मांग की। सरपंच साहब कब्रिस्तान पर काम चालू करवाया तो जो जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है उन्होंने झूठी शिकायत तहसीलदार साहब के पास जाके काम को रुकवा दिया है कि सब इन्होंने पेड़ को कटवाया है, मिट्टी को बिछवाया है, ऐसा कुछ नहीं है। सब वहाँ गड्ढे में डलवाई है मिट्टी कब्रिस्तान की, और जो अतिक्रमणकारियों ने घेर रखा तो उसमें 2-3-4 कब्र को क्षतिग्रस्त करके खत्म कर दिया बिल्कुल, इनके कंकाल भी फेंक दिए, और अब वो जान से मारने की धमकी भी देती हैं और आगे काम को नहीं होने दे रहे हैं। और तहसीलदार साहब वहाँ जाके देख के आए मौके पर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो बार बार झूठी शिकायत कर रहे हैं। सर, हम चाहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान जितना है उतना बने। कुमार लोधी, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत रजौरा कला से। ग्राम पंचायत रजौरा कला में कुछ यात्रियों द्वारा कब्रिस्तान पर सालों से नया कब्जा कर रखा है। उस कब्जे के लिए हमने प्रशासन को लगातार 4 सालों में कई बार शिकायतें की लिखित में, लेकिन प्रशासन ने एक भी दिन उसकी सुनवाई नहीं की। 4 वर्षा जमीन है, प्रशासन उसको करवाना नहीं चाहता। आगे हमने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर के उस काम को चालू करवाया। हम बाउंड्री ग्राम पंचायत में बाउंड्री करवाना चाहते थे, अतिक्रमियों ने आकर के वहाँ गाली गलौज किया, सरपंच को जान से मारने की धमकी दी और फंसाने की धमकी दी। बाउंड्री के बाउंड्री कराने के लिए नीम के जो नीम खोदी जा रही थी उसमें एक जो कोई वृक्ष आ गया होगा, वो वृक्ष वहाँ गिर गया, जिसका झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि वृक्ष को काटा गया है। प्रशासन वहाँ पर मौके पर जाके देखे, मौका देख करके रिपोर्ट करें कि लीगल क्या स्थिति है। मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो रजौरा कला में अतिक्रमियों ने जमीन को घेर रखा, कब्जा कर रखा है, कम से कम 25 बीघा पर उस कब्जे को मुक्त कराया जाए। और कब्रें जो 3 कब्रें थीं मुसलमानों की, उन कब्रों को क्षतिग्रस्त करके पोखरों फेंक दिया गया, इसकी भी हमने पहले लिखित में शिकायत दी उपखंड पर, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम प्रशासन से यही चाहते हैं जो लीगल है लीगल कार्रवाई की जाए,
नाजायज किसी को परेशान नहीं किया जाए। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता अनूप की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।